हेलो फ्रेंड, आज देख पा रहा मेरे पास बजाज पल्सर 125 बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक वाला कार्बोटर वाला वेरिएंट बाइक आ चुका मेरे पास। इसमें है ना, क्योंकि अभी वॉश किया है, ठीक है, तो आपको मैं जो प्रॉब्लम है ना वही आपको दिखाने वाला, आपका साथ शेयर करने वाला। इग्निशन स्विच ऑन करने का बात ही आपको जो प्रूफ देखा था राइट साइड में देख पा रहा, फिर इसको जो चेक इंजन लाइट जिसको माल फंक्शन लाइट बोलना पड़ता है, ये अभी ऑन है, क्योंकि जब भी स्टार्ट करेगा उस टाइम ये हट जाएगा। आप देख सकते ध्यान से देख पा रहा मैं अभी इसने ऑन किया, ऑन करने के बाद जब भी मैं सेल्फ मारा, अभी देखो गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका, इसका माल फंक्शन लाइट भी आउट हो चुका। तो फ्रेंड, अगर सोचो किसी भी प्रॉब्लम को सोचो, आप एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ऑफ करने का बात ही अगर सोचो आपने किसी भी सेंसर यूनिट को कपलर को अगर सोचो आप ओपन किया, ठीक है, जैसे कि ये होगा आपका TPS सेंसर, ठीक है, देख पा रहे, ये होगा आपका TPS सेंसर, ये जो देख पा रहे फिर इसका नीचे थर्मल सेंसर जिसको टेम्परेचर सेंसर बोलना पड़ता, ठीक है, इसका जस्ट ये साइड में जो अभी देख पा रहे फिर जो एग्जॉस्ट में देख पा रहे फिर आपको अच्छा से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, क्योंकि ये है ना आपको ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। तो ये अगर सेंसर का अगर कपलर आप ओपन किया, सोचो TPS का ओपन किया, क्या इसका टेम्परेचर सेंसर जिसको थर्मल सेंसर बोलना पड़ता है, ये भी अगर ओपन किया, इसका कपलर ओपन करने का बाद ही आपको चेक इंजन लाइट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको डिटेल का साथ में दिखा दे रहा है। अभी इस कपलर को जब ओपन करेगा ना, इसमें क्लिप है, इसको प्रेस करने का बाद ही इसको इस तरीके से बैक खींचने का देख पा रहे, ये इजी से रिमूव हो गया। अभी क्या करने का फिर डायरेक्टली भी देखा देता आपको, अभी मैं आपको देखा देता, देख पा रहे फिर अभी इग्निशन स्विच ऑन किया, आपको चेक इंजन लाइट अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं स्टार्ट करने के बाद पे आपको चेक इंजन लाइट देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अभी जो चेक इंजन लाइट है ना वो नहीं भाग रहा है, क्योंकि इसका है ना जो चेक इंजन लाइट तो अभी नहीं, अभी जो देख रहा है आपको, तो TPS सेंसर का जो कपलर है ना अभी ये ओपन है, ठीक है। मैं इसको अभी क्या करता, मैं लगा देता, लगाने का बाद में आपको देखा था चेक इंजन लाइट किस तरीके से बिना OBD का मदद से बिना स्कैन करके क्लियर फॉल वन इश्यू नहीं रिफ्रेस नहीं करके आप किस तरीके से बिना OBD का मदद से आप किसी भी सेंसर यूनिट को कपलर को अगर आप ओपन किया तो आप किस तरीके से इस वाला जो अभी सेंसर का जो है ना जो किसी भी सेंसर का बात कर रहे हैं अगर ओपन किया जो चेक इंजन लाइट अगर जल रहा है तो उसको किस तरीके से बंद करने का उसके बारे में आज बताने वाला। देख पा रहे फिर अभी मैं अभी ऑफ किया, ठीक है, ऑफ करने का बाद ही मैं अभी इस बड़ा कपलर में अभी लगा देता, देख पा रहे फिर इस वाला कपलर को मैं अभी लगा दिया, अभी स्टार्ट करता आपको फिर भी दिखाई देगा, ठीक है, मैं स्टार्ट करता अभी, देख पा रहे फिर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वाला है ना इसको OBD के बिना OBD का मदद से किस तरीके से इसको बंद करने का, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू जलते रहेगा तो आपका है ना 20 रास्ते पे भी बंद भी हो सकता, इसलिए क्या है आपको किस तरीके से बंद करने का उसके बारे में बताने वाला। तो आप क्या करने का, अभी जो इग्निशन स्विच है ना इसको ऑफ करने का, 2 से 4 बार उसको आप ऑन करना पड़ेगा। अभी मैं ऑफ किया, अभी ऑन किया, अभी स्टार्ट किया, अभी फिर से मैं ऑफ किया, अभी ऑन किया, फिर से स्टार्ट किया, अभी फिर से ऑफ किया, फिर से ऑन किया, अभी देखो स्टार्ट भी किया, अभी देख सकता फिर इसका जो चेक इंजन लाइट है ना वो भाग चुका, ठीक है, आपको डिटेल का साथ में देखा दिया यार, देख पा रहे हैं अभी चेक इंजन लाइट नहीं चल रहा है। तो आप जो प्रॉब्लम अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी BS6 का बाइक भी आ सकता, तो आपका पास अगर OBD स्कैनर नहीं है तो आप इस तरीके से इस वाला माल फंक्शन लाइट को आप बंद कर सकता, क्योंकि अगर जो भी प्रॉब्लम है आपका, अगर सोचो कुछ भी सेंसर यूनिट ख़राब हो गया तो आपको जो चेक इंजन लाइट अगर जल रहा है कंटिन्यू, तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, जो OBD के स्कैनर का माध्यम से आपको जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपको स्क्रीन का ऊपर देखेगा, मोबाइल का स्क्रीन का ऊपर, तो आपको OBD तो जरूर से जरूर अभी क्या है ना, तो आपको जिस डिटेल का समय दिखा दे रहा है, क्योंकि इसमें है ना आपको जो भी काम है BS6 का है उसमें आपको डायरेक्टली आपको OBD स्कैनर मांगता। चलो फिर मेरा वीडियो देख के अगर आपको लगे थोड़ा सा भी अगर जानकारी मिला जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।